Good morning, viewers. Hello and welcome to the Morning News Show, where we bring you the latest headlines and insightful stories to kickstart your day. I'm Kuhina Sharma and you are watching CNN News 18. First up, we're discussing BJP's massive win. Now, after BJP's landslide victory in the Hindi heartland, Prime Minister Narendra Modi applauded BJP's historical and unprecedented performance. PM greeted supporters at the BJP headquarters in Delhi as celebrations broke out in various parts of the country. He even gave a special thanks to the Nari Shakti. Now, PM also attacked the opposition, saying that they tried to divide the nation on the basis of caste, but it failed. Now, the PM also called out these results a guarantee of hat-trick in 2024, when the Saffron Party will bid for another precedented third consecutive term. Now, remember, the BJP recorded big wins in heartland states, retaining power in Madhya Pradesh and dumping the Congress out of Rajasthan and Chhattisgarh. Now, CNN News 18 spoke with MP's Chief Minister Shivraj Singh Chauhan about the party retaining power in the state. Let's take a look. ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा. ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा. भरोसा ये कि आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, उसे जनता जनार्दन का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है. आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतंत्र और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर हैं. आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए, स्थिर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है. जो बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं. इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं. और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है. और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोडमैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है. मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा. रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी. और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए, तो कैसी भी ताकत उसे
नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं बहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। अभी आप हमारे साथ जुड़े। हैं, मैं आनंद बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है। आपको बहुत बहुत बधाई शिवराज सिंह जी। धन्यवाद आपको सर। जब ओमकारेश्वर में मेरी आपसे भेंट हुई थी, आपने कहा था कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं उस वक्त भी कि मध्य प्रदेश की जनता आपको फिर वापस लाएगी, आप पर भरोसा करेगी। लेकिन वहां पर महिला वोट्स का कितना बड़ा योगदान रहा है, और खासकर इस लाडली बहना स्कीम का जिसकी आपने घोषणा की थी। समाज के हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जनता का अभूतपूर्व स्नेह और प्यार मिला है, और मैं इसी प्यार के दम पर कॉन्फिडेंट था कि हम फिर से भारी बहुमत से वापस आएंगे, भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध विश्वास और श्रद्धा जनता की है, और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए थे और मध्य प्रदेश का जो कायाकल्प पिछले 20 वर्षों में हमने किया है उस पर जनता का विश्वास है। और लाडली बहना जैसी योजनाएँ, बहनों ने तो बढ़ चढ़ के आशीर्वाद दिया ही है, क्योंकि उनका प्यार और आशीर्वाद हर जगह दिखाई देता था। उनका स्नेह, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद ये सड़कों पे दिखाई देता था, सभाओं में दिखाई देता था, और वो कहती थी कि हम चुनाव जीतेंगे, हम मतलब मैं नहीं जीतूंगा, हम जीतेंगे। तो ये उनका अगाध प्रेम था, विश्वास था। लेकिन भांजे भांजियों ने भी बहुत वोट किया है, समाज के सब वर्गों का समर्थन मिला है। आपको सब लोग बड़े प्यार से, बहनें आपको भैया बुलाती हैं, अन्य आपको मामा जी कहकर बुलाते हैं, सप्रेम बुलाते हैं। 160 से ज़्यादा रैलियां की आपने शिवराज सिंह जी। कई बार आपने लोगों जनता से पूछा भी कि मुझे वापस आना चाहिए कि नहीं। क्या आप इस थियोरी को टेस्ट कर रहे थे कि जनता आपसे बोर हो गई, क्योंकि ये बहुत लोग कह रहे थे कि एक फटीग फैक्टर आ गया है। अब आपने देख लिया कौन सा फैक्टर था, वो तो चुनाव परिणामों ने बता दिया। मुझे कुछ कहने की मैं नहीं समझता कि आवश्यकता है। कांग्रेस ने अनावश्यक एंटी इनकम्बेंसी इस बात को प्रचारित किया था, या प्रो इनकम्बेंसी थी कामों के प्रति, विकास के लिए, जन कल्याण के लिए, और वही वोट में प्रकट हुई है। शिवराज जी, मैं राहुल शिवशंकर बोल रहा हूँ। कई लोगों ने यह भी प्रचार किया था कि एक कास्ट सर्वे जरूर होना चाहिए, मगर ये कास्ट सर्वे की बात नहीं चली, ऐसा ही लग रहा है। ये क्यों नहीं चली? नहीं, आपकी आवाज कट गई, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कई लोग प्रचार कर रहे थे कास्ट सर्वे का। कई लोग प्रचार कर रहे थे, आपको याद होगा, ये चुनाव कास्ट सर्वे भारत में नहीं चलता। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। भारत में, मध्य प्रदेश में भी लोग अलग अलग समाज को विभाजित करने को पसंद नहीं करते, और कांग्रेस के पास कुछ नहीं था समाज को विभाजित करके वोट हासिल करने का षड्यंत्र उन्होंने किया था, जिसको जनता ने विफल कर दिया। तो क्या शिवराज जी आप कभी एक कोई कास्ट सर्वे नहीं करवाएंगे मध्य प्रदेश में? स्पष्ट रूप से अगर आप ये बोल दें तो अच्छा रहेगा। पार्टी जो सोचती है, हम भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वही मेरा सोच है।